धमतरी जिले में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को जल जगाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसी को देखते हुए कलेक्टर नम्रता गांधी ने महानदी के तट पर गंगरेल में जिला स्तरीय अधिकारियों मीडिया प्रतिनिधियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि जिले में जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत आगामी 5 और 6 अक्टूबर को महानदी के पास रविशंकर सागर गंगरेल बांध में राष्ट्रीय स्तर के आकर्षक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम में देश प्रदेश सहित विदेश से भी अतिथि आएंगे, जिसके चलते कलेक्टर ने जल जगाल महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। जल जगाल महोत्सव जो है वो जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जो मैंडेट है कैच द रेन नारी शक्ति से जल शक्ति, उसको प्रमोट करने के लिए और उसमें समुदाय की सहभागीदारी इंश्योर करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम 5 और 6 अक्टूबर गंगरेल के परिसर में जो रविशंकर जलाशय है उसके परिसर में आयोजित किया गया। की मुख्य जो मेन स्टे है वो इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस रहेगा, जिसमें देश विदेश से जो माननीय हस्ती फेमस हस्तियां हैं जिन्होंने पानी और पर्यावरण संरक्षण में अच्छा कार्य किया है वो अपने विचार साझा करेंगे। उनसे सीखने को भी मिलेगा कि हम बेहतर कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं। जल सभा बच्चों की सभा के माध्यम से बच्चे रोल प्ले करते हुए अपने मुद्दों को सामने रखेंगे। नवरात्रि मेला जिसमें समुदाय की सहभागीदारी से आनंद मेला के रूप में जहाँ पे आप घर से खाना लाके उसको कम्युनिटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ जिसमें हमारे जिले के जो आर्टिस्ट है वो वॉलंटियर के रूप में काम करके ऐसी कुछ संरचनाएं बना के जो जिले के लिए वो एक आइडियल के रूप में सके उसका आयोजन किया जाएगा। वर्कशॉप्स रहेंगे, ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा, मैराथन है 6 तारीख को सुबह को, कैंपिंग की व्यवस्था 5 और 6 दोनों को है, एडवेंचर जोन में बहुत सारी एडवेंचर की एक्टिविटीज है, जल ओलंपिक्स में नॉन मोटराइज्ड स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, कल्चरल नाइट में माननीय श्री अनुज शर्मा जी और गरिमा दिवाकर जी का कार्यक्रम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहभागीदारी दिखाते हुए इसमें पार्टिसिपेट